हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बारी पास वालों के लिए दोस्तों बड़ी जबरदस्त वैकेंसी लेके आया हूं, पक्की सरकारी नौकरी। दोस्तों अगर आप दिल्ली या दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। लेकिन इसको अप्लाई कोई भी कर सकता है, भारतीय किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, मेल हो फीमेल हो, आप सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। सारे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ बारहवीं पास। ये दोस्तों पक्की सरकारी नौकरी है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, सारी बातें अपनी वीडियो में कवर अप करेंगे। तो अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो स्टार्ट करने वाले दोस्तों आप सबके लिए एक बहुत जोरदार खुशखबरी लेके आए हैं। अगर आप क्लैट 2021 की तैयारी कर रहे हो, यानी कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट 2021 की तैयारी कर रहे हो, तो अन अकेडमी मॉक टेस्ट लेके आ गया है, जिसका नाम है अन अकेडमी लो एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि 2 जनवरी 2021 को स्टार्ट होगा सुबह 11 बजे। दोस्तों खास बात यह कि 1 घंटे का एग्जाम होगा, उसी के तुरंत बाद आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। और उसी दिन 3 बजे हमारी भारत की बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी आपका पेपर एनालिसिस करेगी। अगर आप 2021 क्लैट की तैयारी कर रहे हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और उससे भी खास बात यह है दोस्तों, फ्री एनरोलमेंट है आपकी, इसमें आपका 1 रुपया चार्ज नहीं लगेगा। और जो टॉप 5 विनर होंगे, जो टॉप रैंकर होगा दोस्तों, उसको अन अकेडमी की तरफ से 5,000 रुपए के अमेजन वाउचर मिलेंगे। जो सेकंड रैंकर होगा उसको 3,000 के मिलेंगे। और जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ रहेंगे उनको 2,000 रुपए के अन अकेडमी की तरफ से अमेजन के वाउचर मिलेंगे। दोस्तों अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हर टाइप का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है, जैसे कि 3 महीने, 6, 9, 12, 24, हर टाइप का सब्सक्रिप्शन मिलता है। और आप अगर जो मेरा रेफरल कोड लगाते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट इमीडिएटली मिल जाता है। दोस्तों खास बात यह होती है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए गाइडेंस की जरूरत होती है, जो कि टॉप रैंकर और नॉन सिलेक्टर के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस तय करती है। और यही गाइडेंस हमारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी आपको प्रोवाइड करती है। दूसरी खास बात यह दोस्तों, अगर आपको एक भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी आती है, सपोज कीजिए आपकी कोई टेस्ट सीरीज चल रही है या आपका कोई एग्जाम लेसन चल रहा है, तो आपको उसकी फोटो क्लिक करनी है, इनके एजुकेटर को भेजनी है और वो उसके सॉल्यूशन की वीडियो आपके मोबाइल तक भेज देंगे। कितनी जबरदस्त फैकल्टी आई और कितने जबरदस्त तरीके से आपको तैयार किया जा रहा है। दोस्तों देर किस बात की, डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन में जाके इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो के साथ। तो बेसिकली दोस्तों वैकेंसी आउट हो चुकी है भारत सरकार के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2 पोस्ट के बारे में, जिसका नाम है असिस्टेंट 1 और असिस्टेंट 2। इन दोनों पोस्टों के बारे में हम बात करेंगे। मैंने एक वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड की थी, इसमें मैंने आपको सब चीजें बताई थी। दोस्तों काफी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ये आ रहे थे कि सर इसको अप्लाई कैसे करना है, इसकी पोस्टिंग कहां होगी, जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, इसमें तैयारी कैसे करें। तो सारी बातें इस वीडियो में कवर अप करने के लिए मैं नई वीडियो लेके आ गया हूं आपके सामने। तो बेसिकली दोस्तों जो पोस्ट निकली है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट 1 की। इसमें दोस्तों एज की बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए 30 साल। और 12th पास के साथ साथ दोस्तों असिस्टेंट 1 को अप्लाई करने के लिए 12th पास में आपको साइंस साइड होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, तो ही आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं अपनी दूसरी पोस्ट की, जो असिस्टेंट 2। इसमें दोस्तों एज की बात करें तो ज्यादा ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए 27 साल। और दोस्तों जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, 12th पास ये सिंपल दोस्तों, इसमें 12th पास आपने चाहे आर्ट्स साइड से किया हो, कॉमर्स या साइंस किस साइड से भी की हो, आपके 12th में 50% मार्क्स चाहिए। अगर आपके 50% है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, टाइपिंग स्पीड की बात करते हैं। आपकी कम से कम टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट अगर आप इंग्लिश में करते हैं, और अगर आप हिंदी में करते हैं दोस्तों तो आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, यानी कि 5 की स्पीड अगर आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कितनी पोस्ट है, काफी क्वेश्चन ये भी आते हैं सर कितनी पोस्ट है ये भी बता दो। तो टोटल पोस्ट है दोस्तों 10। अब वो आपको डिसाइड करना है आपको कौन सी अप्लाई करनी है, कौन सी नहीं अप्लाई करनी है और किस में आपका संयोग बनता है। अब दोस्तों बात कर रहे हैं सैलरी पैकेज की। अगर आपका सिलेक्शन होता है असिस्टेंट 1 की पोस्ट पर, तो आपको 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, जो कि आपकी 30 से 35 हजार लगते ही बनेगी। और दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन होता है असिस्टेंट 2 में, तो आपको सैलरी मिलेगी लेवल 2 की, इसमें दोस्तों 25 से 30 हजार आपकी सैलरी बनती है। दोस्तों हर साल सैलरी इंक्रीज होती जाती है क्योंकि इंक्रीमेंट लगे जाते हैं, क्योंकि आपको जो अलाउंस मिलते हैं TA DA HR सब कुछ मिलता है, जो कि एवरी ईयर इंक्रीज होता रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, पहले आपका एक रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसके बाद एक आपका स्किल टेस्ट होगा जिसमें टाइपिंग होगी। जो बच्चे इन दोनों को क्वालिफाई करेंगे उनकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, तो फिर आपको ज्वाइन करा लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी लास्ट डेट और आपको अप्लाई कैसे करना है और आपकी पोस्टिंग कहां पे होगी। तो बेसिकली आपकी पोस्टिंग होगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स में, जो दोस्तों आपकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी वो होगी नोएडा यूपी के अंतर्गत। तो बेसिकली आप अगर दिल्ली या दिल्ली के एनसीआर से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत जबरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसको अप्लाई भारत के सभी कैंडिडेट कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लेना। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको क्या करना होगा, वो फिलअप करना, उसके साथ अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, ये सब लगा के दोस्तों सेल्फ अटेस्ट करके आपको सारे डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, A32 सेक्टर 62 इंडस्ट्रियल एरिया नोएडा यूपी,
201309 यहाँ पे आपको दोस्तों सेंड करने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।